साहब का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मैं डॉक्टर जहांगीर अलवी, उत्तर प्रदेश पीस पार्टी में चिकित्सक हूँ, क्रिटिकल स्पेशलिस्ट हूँ, और साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि मैं पीस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और अभी लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधियाँ थोड़ी सीमित हो गई थी, इसलिए हम इस सरकार का काला चिट्ठा लोगों के सामने नहीं ला पा रहे थे। अब 21 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर के अवगत करना चाहते हैं कि सरकार दमनात्मक रवैया अपना रही है। अगर सरकार का विरोध करो, कमी निकालो, तो देशद्रोही हो, और अगर सामाजिक तौर से बोलना शुरू करो तो ये जेल में डाल देती है, फिर सुनने वाला कोई नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूँगा कि मऊ के हमारे पीस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन पर भी आरोप लगा के जेल में डाला हुआ है। और तो और दूसरी पार्टी, हम अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, जैसे कि जो है आजम खान साहब हैं, उनकी अहलियाँ हैं, वो भी कहने जेल में हैं, और अब्दुल्ला आजम साहब हैं जो कि टांडा के विधायक हैं, डॉक्टर तंजीम फातिमा हैं, इनकी जो माँ हैं, इन सबको जेल में डाल रखा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अब देखिएगा, गोरखपुर के डॉक्टर कफील साहब हैं, उनके अच्छे कारनामे, उनकी जो है देशभक्ति, उनका जो है सामाजिक सब कुछ जिम्मेदारी हम देखते हैं और पूरी पब्लिक के सामने हैं, लेकिन न्यायालय उन्हें जमानत देती है तो फौरन ही दूसरा आरोप लगा करके सरकार फिर उन्हें जेल में डाल देती है। तो ये पूरी तरह से दमनात्मक मामला चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छात्र हैं मुनव्वर साहब, उस्मानी साहब, तो उनको भी जेल में डाल रखा है। और तो और जो दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, उसके जो मुखालफत करने वाले लोग थे, उन पर भी उल्टी सीधी धारा लगा करके जो है जेल में डाल रखा है ना। तो हमारी इस राज्यपाल महोदय से ये दरख्वास्त है कि वो इस सरकार के काले कारनामों को देखें और इन पर अंकुश लगाएं। तो आप लोग जो धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या पूरे यूपी में होगा या और भी? यूपी के हर जिले में होगा, क्योंकि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी यूपी की है, तो मैं यूपी की कह सकता हूँ आपसे ना। वैसे तो डॉक्टर अजीब साहब बेहतर बता पाएंगे कि देश कितना सम हो रहा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरना आपके क्या होगी इस पर जो है, तो सरकार के जो खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं? जी हाँ, ये है कि जो बेगुनाह लोगों को दमनात्मक रूप से जो उन्होंने दबा रखा है और जो कार्रवाई पर नहीं हो रही है, उनकी जमानत तक नहीं होने दे रहे हैं कि वो केस भी लड़ पाएँ, इस पर कहना चाहिए सरकार इन लोगों को जल्दी से जेल से रिहा करे और उन्हें अपनी अदालत में कहने का मौका दे, जिससे पब्लिक के सामने सच्चाई आ सके। जी डॉक्टर साहब, COVID-19 चल रहा है जी, इसके क्राउड भी होगा, तो आप लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, किस टाइप का धरना प्रदर्शन होगा? देखिए, COVID-19 के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि यह एक संक्रामक बीमारी है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, हालांकि उन्हें कहने का उद्देश्य दूसरा था, उन पर प्रेशर था कि वो कहने थी मुसलमानों पर इल्ज़ाम ना लगाएं, लेकिन फिर भी संक्रामक बीमारी है, ये कोई जात धर्म मजहब नहीं देखती। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपने हर पड़ोसी हर भारतवासी के ऊपर जिम्मेदारी निभाना है, इसलिए जो भी हमारा प्रदर्शन होगा, जो भी बात होगी, वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग गलत अल्फाज है, सब गलत शब्द दिया है मोदी साहब ने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सामाजिक दूरी नहीं, ये शारीरिक दूरी का मामला है, इसमें फिजिकल डिस्टेंस कहा जाना चाहिए। हम लोग पूरी फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए, 2 गज का फासला बनाए रखते हुए, और बाकायदा जिस तरह से मैं मास्क लगाए हूँ या जिस तरह से मैं ग्लव्स पहने हूँ, इस तरह से पूरे सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का, या सोशल डिस्टेंस कहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का, और मास्क वगैरह का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे खासतौर से लोग जो फेसबुक वगैरह पे जो अपडेट रहते हैं, और जो है खासतौर से किसी विशेष समुदाय के तहत उनकी जो बहुत सारे जो कमेंट्स करते रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप एक नेता भी हैं? जी हाँ, देखिए, जो आदमी अपने भारतवासियों के खिलाफ कमेंट करे वो भारत से प्रेम नहीं करता। जबकि BJP का और RSS का एक मिशन रहता है, पहले जो है सवर्णों को और कहने जो सवर्णों को लेकर के और छोटी जात के लोगों का आंदोलन रहा, कितने वर्षों तक, कितनी सदियों तक यहाँ का हमारा जो है दलित समुदाय ये भेदभाव सहता रहा है, गांव-गांव में, गली-गली में सहता रहा है, और ये लोग अन्याय करके एक होते हैं। अब जो है अच्छी बात है कि दलित समुदाय में एकता आ गई है, वो एक साथ इकट्ठे होके बात करने लगे हैं, अब यूनिक कदर करने लगे हैं। आप ताज्जुब वाली बात देखिए कि
कभी बाबा साहेब अम्बेडकर इनके यहाँ अच्छे अछूत थे, अब वो बराबर रामचंद्र जी के बराबर बैठ के मंच पर सजाए जाते हैं, बड़े मतलबी लोग हैं ये लोग। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो पिछड़ा समुदाय है और जो सामाजिक कारण से वंचित समुदाय है, जो अशिक्षित है, उसके ऊपर नफरत चल रही है। अभी आपने देखा कि वो तबलीगी जमात के ऊपर सब लोग बोल रहे थे, यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुसलमान तो थूक लगा लगा कहने जी वो फल बेच रहा है। अरे वो थूक लगाना हो घर जाके लगाए, रोड बजाय क्यों लगाएगा। इतनी जो है कहने बेमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मोदी साहब पर दबाव पड़ा, बल्कि मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा कि ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को आपने मुसलमान बना रखा है, तब फिर इन्होंने जो लोगों को समझाने के लिए ये बयान दिया कि भाई इन्फेक्शन किसी जात समुदाय को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता ना, इसमें कहना चाहिए इस तरह की बातें ना करें। अरे भाई तरक्की भी हमारी जात समुदाय को नहीं देखती, हमारी तरक्की भी जो कहना चाहिए धर्म को नहीं देखती। आप सब लोगों को लेकर साथ चलोगे तभी भारत तरक्की कर पाएगा। कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी विकास दुबे को मारा, 8 पुलिस वालों को मार दिया, उसमें ये जो है एनकाउंटर सरकार है। एनकाउंटर को योगी जी अपना अधिकार समझते हैं, एनकाउंटर को योगी जी अपना अधिकार समझते हैं। सब जानते थे कि इनको पकड़ने के बाद मार दिया जाएगा, अब ऐसा ही हुआ। और योगी जी कहना भी है कि दबा के रखो, ठीक है अपराधियों के प्रति हमें कठोर होना चाहिए अपराधी, लेकिन अपराध उत्पन्न अपने क्यों देते हैं? इनके जो विकास दुबे को इसलिए भी मार दिया गया, इसलिए भी मार दिया गया एनकाउंटर कह लीजिए क्या है, वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अगर वो जिंदा रहता तो इन बीजेपी नेताओं की वो पुल खुलता कि लोगों को शर्म आती कि इन लोगों के ताल्लुकात इनसे भी हैं। इससे पहले भी कई लोग जैसे चिन्नन जी हैं, जो गुरु हैं इनके, योगी आदित्यनाथ जी गुरु हैं, वो किस प्रकरण जो पकड़े गए ना। तो वास्तव में कहना चाहिए विकास दुबे बिना नेताओं की सहके तो इतना दुर्दांत नहीं बना होगा, लेकिन सबकी पोल खोलने वाला था तो उनको दबाने के लिए इन्होंने का मोहरा था उसी को बर्बाद किया। लेकिन सरकार के जो लोगों को कहना है, दूसरी पार्टियों के खासतौर से जो मौजूदा सरकार है, कि वो पिछले किसी और पार्टी से बिलोंग करता था, क्या ऑफर? अरे उसी पार्टी से मतलब नहीं है, जो भी से बिलोंग करता हो, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी भी नेता का जो अपराधी है और अपराध छोड़ देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी कोई आपके हिसाब से कानून व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं? बेकार कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इस वक्त गरीबी चल रही है, लोगों का हालात जो घरों पे खाने पे नहीं है, चोरियाँ हो रही हैं, इसके बारे में कोई आपकी राय होगी? देखिए मैं आपसे ये कहूँ कि लॉकडाउन पूरी तरह से फैल रहा है। आज की तारीख में हमारे यहाँ 10 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड जो लोग हो चुके हैं, और लॉकडाउन के दौरान जितना मजदूर सड़क पे रहा, सड़क पे नहीं चलने दिया, रेली पटरी पे रहा, भूखा रहा, इतना कहना चाहिए कि जो लॉक ओपन हिंदुस्तान कभी नहीं रहा। और उसी का नतीजा है, लॉकडाउन से पहले इन लोगों ने तैयारी ही नहीं की कि लोगों को क्या परेशानी होगी। लॉकडाउन में अगर बड़े लोगों को फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, घर जा कर बैठ जाएंगे, लेकिन मजदूर भूखा क्या करेगा, ये इन्होंने सोचा ही नहीं। सर एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि अभी ये सैटरडे संडे में अपने जो यूपी में लॉकडाउन हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए ये भी मुझे अर्थहीन लगता है, भाई संडे को तो ऑफ वैसे ही रहता था, केंद्र की जहाँ सरकार है वो 2 दिन ऑफ वैसे ही रहता है, तो ये तो कुछ नहीं, मजाकबाजी है, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है ना। इससे कहना चाहिए कि जो काम आदमी 7 दिन में करता था अब भीड़ जुटा करके 5 दिन में करेगा ना। थैंक यू सर, ये कोई अकबंदी वाली बात नहीं है। लॉकडाउन करना था तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए करते, और उसके बाद में रियायत ही रखनी चाहिए थी कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं, उनका इंतजाम क्या किया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक सर, जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।